Hi guys, welcome back to another video of not for profit organization yani ki NPO. हाँ जी, पिछले दो वीडियो मतलब सर आपने क्या कर दिया, 10-10 मिनट से शुरुआत की थी 10-12 मिनट की और 25-25 मिनट की वीडियो खा रहे। तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, दो वीडियो थी, बड़ा टॉपिक काफी बड़ा था यार, मैं छुड़वाता बीच में छोड़ता या जल्दी जल्दी समझाता ना तो इनको समझ में नहीं आता, क्योंकि अपना काम है फुल डिलीवरी, कंप्लीट घर तक होम डिलीवरी का काम करना। तो भाई दो बड़ी बड़ी वीडियो होगी, फंड बेस्ड अकाउंटिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो कि आपको समझनी थी वो मैं समझा चुका हूं। ठीक है, आज अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन कुछ बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं, वो नई टर्म्स, आज अलग टर्म, आज मैंने 5-6 टर्म्स ही नहीं, क्योंकि भाई कल अपन इकट्ठे फिर 7-8-9 टर्म्स जो है वो पढ़ लेंगे, क्योंकि आज भाई इतने दो दिन हो गए, दो दिन से काफी लंबी लंबी वीडियो चल रही है, तो मैंने कहा थोड़ी सी छोटी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाए। तो भाई सबसे पहले सुनना, हम कुछ टर्म्स देखते हैं जो कि परेशानी देती है। देखो सिंपल सी बात है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी को दिक्कत नहीं देता अगर उसमें वो टर्म्स नहीं होती जो कि उसमें होती है, यानी कि लाइफ मेंबरशिप फी, एंट्रेंस फी, स्पेशल रिसिप्ट, डोनेशन, लेगेसी, ऑनरेरियम, पता नहीं क्या क्या भाई, मतलब दिल दहलाने वाली चीजें हैं ये। तो दिल दहलाने वाली चीजें जो है उनको समझेंगे आज। देखो बड़ा आसान सा टॉपिक है, क्या है कि कॉन्सेप्ट समझ जाओ, कौन सा समझ जाओ तो गेम खत्म हो जाएगा। तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ 3-4-5-6 पॉइंट्स बताने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि उनका आपको ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है इनकेस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। समझना इस चीज को, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है उसमें सब कुछ आ जाता है कैश बेसिस पे, बट हमें क्या करना है, उस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से निकालनी है चीजें। एक जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू इनकम होगी, और बाकी बची की चीज जो है वो जाएगी कहां, बैलेंस शीट। साथ साथ आउटस्टैंडिंग अगर कोई है तो वो लाइबिलिटी में भी जाएगा बैलेंस शीट में, एज सिमिलर एज जो अपन वहां करते थे ना कहां पे, फाइनल अकाउंट के अंदर, उसी तरीके से चलेगा। ठीक है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ट्रीटमेंट शायद हमको नहीं पता है, जिनके बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, तो उन चीजों के बारे में हम देखते हैं कि वो चीजें किस तरीके से काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका एंट्रेंस फी या एडमिशन फी। पहला क्या आता है, एंट्रेंस फी या एडमिशन फी। तो भाई अगर आप किसी ट्रस्ट में कहीं पे भी या किसी क्लब वगैरह में ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको एक एंट्रेंस फी देनी पड़ती है। अब वो एंट्रेंस फी जो है ना वो उस पर्टिकुलर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम का जरिया है, वो एंट्रेंस फी उस पर्टिकुलर नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम का जरिया है। तो वो कहां आएगी, वो आपकी आएगी इनकम साइड यानी कि क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कहां पे आ जाएगा ये। तो जब भी भाई एंट्रेंस फी एडमिशन फी आ जाए तो उसको कहां लिखना है आपको, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि इनकम साइड में आपका लिखा जाएगा ये एंट्रेंस फी। सेकेंड आता है लाइफ मेंबरशिप। अब भाई लाइफ मेंबरशिप फी यानी कि पूरे साल पूरी जिंदगी की जो है मेंबरशिप फी हो गई। अब पूरी जिंदगी की मेंबरशिप है तो वो एक साल के अंदर तो खत्म नहीं होगा, वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है कि भाई उसको लाइफ टाइम उसको सर्विसेज प्रोवाइड करानी है। तो ये करंट या रेवेन्यू नेचर की नहीं है, ये कैपिटल नेचर की है। और ध्यान से समझ लो कि भाई रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं, बट कैपिटल से रिलेटेड यानी कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर वो आपके आते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो लाइफ मेंबरशिप फी जो है वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी है, क्या है आपकी लाइबिलिटी है, और वो कहां आएगी बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। इस चीज का आप ध्यान रखिए, कहां आएगी बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड आपको लाइफ मेंबरशिप फी को लिखना है, क्योंकि क्या है वो लॉन्ग टर्म है, एक साल के अंदर खत्म नहीं हो रही, एक साल से शॉर्ट पीरियड का नहीं है, इसलिए क्या है वो लंबे समय तक चलेगी, इसलिए एक साल के अंदर आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी, क्योंकि वो एक साल का खाता देता है, उससे बड़ा जो खाता है यानी कि कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपकी बैलेंस शीट संभालेगी, तो वो वहां पे जाके आ जाएगी। अब समझ लें, लाइबिलिटी में तो आएगी, पर लाइबिलिटी में भी एक स्पेसिफिक हेड के अंदर आएगी और उस हेड को अपन कहते हैं कैपिटल फंड। अब ये कैपिटल फंड जो होता है इसके बारे में डीप में बैलेंस शीट वाली वीडियो है, उसमें अपन चेकआउट करेंगे। तो भाई कैपिटल फंड
कि अंदर जैसे अपनी कैपिटल होते हैं नॉर्मल, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट होते हैं सारे के सारे, उसी तरीके से लाइफ मेंबरशिप ही है तो आपकी इनकम पर लॉन्ग टर्म इनकम है, अभी शॉर्ट टर्म की नहीं है ये, क्योंकि इस साल की नहीं है, लंबे समय तक है। तो लाइबिलिटी के अंदर कैपिटल फंड में जो है इसका अमाउंट एडजस्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका स्पेशल रिसिप्ट। स्पेशल रिसिप्ट का मतलब आपको पेमेंट मिली है फॉर स्पेसिफिक टर्म्स, कुछ समय के, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी अनाथ आश्रम में खाना करा दिया, भाई 5,000 रुपए लगे उसके। उस अनाथ आश्रम की अगर बात करो, ऑर्फनेज की बात करें, तो उसके लिए वो 5,000 क्या हो गए, रिसिप्ट हो गई, 5,000 की क्या हो गई, रिसिप्ट हो गई। बट अब इस चीज को याद रखना, आपने खाना कराया तो उसका कुछ एक्सपेंडिचर लगा, तो अब क्या होगा, जैसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग चलता है उसी तरीके से अकाउंटिंग चलेगी कि आपको 5,000 रुपए रिसिप्ट में आए, उसमें से जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ वो हट जाएगा, बाकी बचा कुचा जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर दिया जाएगा। ठीक है, किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए, किसी स्पेशल ओकेजन के लिए आप लोगों ने कहीं कुछ स्पेशल ओकेजन के लिए पैसा आया, वो स्पेशल ओकेजन में जितना खर्चा लगा वो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, बाकी जो बचा हुआ है वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक इज डोनेशन। डोनेशन क्या होता है, देखो बेसिकली आपका बात करें कि एनपीओ जो है वो डोनेशन के बेसिस पे ही चलती है, उनके ट्रस्टीज चलाते हैं, डोनेशन उसको मिलती रहती है टाइम टू टाइम। डोनेशन आर ऑफ टू टाइप, डोनेशन एक तरीके से है आपकी इनकम, बट दो तरीके की डोनेशन होती है, पहली होती है जनरल डोनेशन, दूसरी होती है स्पेसिफिक डोनेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ट्रीटमेंट में भी डिफरेंस है वो समझ लो। जनरल डोनेशन इज द डोनेशन इन विच द डोनर डज नॉट स्पेसिफाई एनी कंडीशन फॉर इट्स यूज। जनरल डोनेशन का मतलब ऐसी डोनेशन जिसके अंदर देने वाला जो पैसा दे रहा है वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि सर इस चीज पैसे का इस चीज में इस्तेमाल, वो सिर्फ अपनी जेब से निकालते हैं, सर मेरी तरफ से 1,00,000 रुपए की डोनेशन है। अब आप उसको किसी भी काम में लो, भले बिल्डिंग बनाने में लो या डे टू डे एक्टिविटी खर्चे में लो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही वो कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो इन केस ऑफ जनरल डोनेशन ये आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड शो कर दी जाएगी, यानी क्रेडिट साइड शो कर दी जाएगी। नेक्स्ट चीज आती है आपकी डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पज, कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए डोनेशन दी है, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन दे दी, जैसे जैसे स्विमिंग पूल बनाने के लिए डोनेशन दे दी, जैसे जैसे प्लेग्राउंड बनाने के लिए डोनेशन मिली। In this case, the donor specify the purpose which the donation can be used. It is a specific donation. यानी कि यहां जो donor है, जो donation देने वाला बंदा है, वो बताता है कि सर मैं donation इस वजह से दे रहा हूं, ठीक है, और इस चीज को उसी में उसी तरीके से हैंडल आउट किया जाए और उसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया जाए। तो इस चीज को आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जिस तरीके से करते हैं, यानी कि आपके लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट शो करी जाएगी ये डोनेशन भी, ठीक है, और जैसे जैसे काम हो जाएगा वैसे वैसे आगे बिलिंग बच जाएगी, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन दोनों में डिफरेंस होता है कि स्पेसिफिक डोनेशन जो होती है वो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आती है, क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाई गई है और ये लाइबिलिटी है उस ऑर्गेनाइजेशन की वो स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करे, ठीक है। जनरल डोनेशन आपको सिर्फ मिला है पैसा एज अ रिसिप्ट, ठीक है, तो आपकी वो इनकम हो गई कि आप उसको कहीं भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है लेगेसी। लेगेसी इज एग्जैक्टली सेम एज डोनेशन, बट लेगेसी और डोनेशन में डिफरेंस क्या है। लेगेसी आप तब दे सकते, देखो डोनेशन जो है वो आप तब दोगे जब जिंदा है। लेगेसी मतलब वो पुराने जमाने की सेवा में नहीं आता था क्या, मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद इसके नाम कर दी जाए, किसके, एक ट्रस्ट के नाम कर दी जाए, वो क्या है उसकी लेगेसी। यानी कि आपने अपनी विल में अपनी मौत के बाद का जो जितना भी आपका जो भी सामान है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसको एक पर्टिकुलर ट्रस्ट के नाम कर दिया, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर दिया, तो वो पैसा जब ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है उसको लेगेसी के नाम से लिखा जाता है। इसमें भी दो होते हैं, वही मेरे मरने के बाद वो पैसा वहां चला जाए ताकि उसमें एक नया ब्लॉक खुल सके, योगा स्पेसिफिक डोनेशन की तरह, और मेरे मरने के बाद सारा पैसा वहां चला जाए, योगा जनरल डोनेशन। ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम है डोनेशन की तरह कि भाई जनरल डोनेशन यानी कि इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो इनकम साइड शो करी जाएगी, इट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्पेसिफिक डोनेशन इट इज अकाउंटेबल एज कैपिटल रिसिप्ट एंड इट इज क्रेडिटेड टू स्पेसिफिक फंड अकाउंट मेंटेन फॉर द पर्पस, यानी कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग की तरह ही इसका काम चलता है। स्पेसिफिक फंड बनाया जाता है, जैसे डोनेशन में है कि भाई फंड फॉर पवेलियन, फंड फॉर स्विमिंग पूल, फंड फॉर समथिंग, किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए फंड बना दिया गया, उसके सारे खर्चे, उसकी सारी इनकम जो है उसी में से डिडक्ट कर दी गई, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर।
ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट आज का मैंने कहा ना मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा, आप लोगों को बड़ा दुख है सर दो तीन दिन से पढ़ पढ़ के बाद बड़े परेशान हो गए हम, भी 25-25 मिनट, तो भाई आज छोटी सी वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए लाया हूँ। आखिरी टॉपिक है सेल एंड ऑफ यूज स्पोर्ट्स मटीरियल, खेल का सामान है यूज हो गया, मैंने उनको बेच दिया, अब वो कहां आएगा, समझ रहा। ये जो यहां से आपकी दिक्कतें शुरू होती हैं, यूज भी हो रहा है, बिक भी रहा है, कंज्यूम भी हो रहा है, तो सारी चीजें एक साथ होंगी। तो देखो ध्यान से समझना, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बैलेंस शीट, स्पोर्ट्स मटेरियल एसेट्स है तो वो आपके बैलेंस शीट में दिखाई देंगे एसेट्स है, बट स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जितना खर्चा हुआ है, जितना कंज्यूम हो गया आपके स्पोर्ट्स मटेरियल, वो सारे आपके डेबिट साइड यानी एक्सपेंडिचर साइड शो किए जाएंगे इनकेस ऑफ, जब भी आप कंज्यूम कर लेते हैं ना तो उसको अपन कहां शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कुछ गेन वगैरह हुआ है तो वो आपकी इनकम में आ जाएगा, बाकी जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल एसेट्स की तरह ही इसकी एक तरीके से डीलिंग की जाती है, जितने कंज्यूम हो गए वो सब कहां चले जाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड चले जाएंगे और एसेट्स में से आपके माइनस हो जाएंगे, सिमिलर टू द एसेट्स जो कि अपन ने 11th क्लास में बहुत बार पढ़ा है, ठीक है ना। तो भाई ये क्या है कि भाई स्पोर्ट्स मटेरियल जब भी होते जितने कंज्यूम हुए वो बैलेंस शीट में से कम हो जाएंगे, साथ साथ वहां एक्सपेंडिचर साइड शो कर दिए जाएंगे, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह शो आउट होता है ना उसी तरीके से, ठीक है। तो गाइस आज की छोटी सी वीडियो थी, 10-12 मिनट की, मैंने वीडियो कहा था 10-12 मिनट में ही समाप्त कर दी है। तो द मेन थिंग कि भाई अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी जो है वो समाप्त होने जा रही है और न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो आने वाला है। मैंने सारे टॉपिक धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ, फंड बेस अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आ चुकी है, तो वो दोनों भी अपन कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। एट लास्ट गाइस अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। मोर ओवर कल आपसे वापस मिलेंगे इसके बाकी टॉपिक के साथ और बाकी थोड़े दिल दहलाने वाले टॉपिक के साथ। सो आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर मिलेंगे। टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग, अकाउंट शुड डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।